नमस्कार, मैं उमेश करुणा, बहुजन हलचल में आपका स्वागत है। आज हम मैं मेरठ में और मेरठ में एक ऐसे शख्स के सामने बैठे हुए हैं जिनका नाम है पवन कुमार। पवन कुमार जल्लाद के नाम से जाने जाते हैं। अब से 7 साल पहले दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उनके दोषियों को 22 तारीख में उनको फांसी होगी दिल्ली के तिहाड़ जेल में। आज हम उनसे बात करेंगे, पवन जल्लाद जी से, कि पवन जी जो 22 तारीख में उनको सजा हुई है उनको फांसी दी जाएगी और आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जी, मेरी पूरी रेडी तैयारी, मुझे जैसे मेरे को ऑर्डर आएगा मैं तुरंत तैयार रहूँगा। जी, तो इससे पहले आपने अभी कोई फांसी नहीं दी है? उसमें पर 5 केस करे पहले, इससे पहले 5 एक आगरा, एक जयपुर, एक इलाहाबाद और 2 पटियाला में। जी, 88 में अपने दादाजी के साथ में। दादाजी के साथ में। जी, पवन जी का ही पुश्तैनी काम है, पहले इनके दादाजी करते थे, फिर पिताजी करते थे। दादाजी का नाम था कल्लू सिंह, कालूराम, और पिताजी का नाम था मम्मू सिंह। और आज पवन जल्लाद जी इस काम को अंजाम देंगे। और पवन जी के जो हालात है इनको देखकर हम दिखाते हैं बहुजन समाज के, गरीब नीचे हुए। बहुजन समाज में अनुसूचित जाति में आते हैं पवन जल्लाद जी, जो एक इनको जाति का प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाता। उस जाति से है ये, जिसको समाज में दरकिनार किया गया है, गाली की तरह उसको बोला जाता है। कोई बोल देता है कंजर, कोई कुछ बोल देता है, लेकिन पवन जी का कहना ये है कि इनकी जाति का भी आज तक कोई प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया, जिनकी असली जाति है वह भी समाज ढेर छाज वाले, ढेर छाज वाले के नाम से। ढेर छाज वाले, जी बता जाते जी, आप बताइए अपनी ढेर छाज वाले। जी, हमें जो है मेरी आदित्यनाथ जो है, मैं आग्रह करता हूँ, कोई कुछ कह देता, कोई कुछ कह देता, जो मेरी जाति है ढेवा समाज छाज वाले के नाम से, जो हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, तब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको भगाया जाता है कि आप जाति लाइए, क्योंकि कोई कुछ भी कह देता हम तो बड़ा शर्मनाक होता है। कंजर एक गाली है तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, हमारे बच्चों के सामने जब बात आती है तो हमारे में आदित्य योगी नाथ जी से मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि कृपया हमारी जाति ढेवा समाज जाति के नाम से जाति प्रमाण पत्र जाए और हमारे बच्चों को शिक्षित करने का कृपा करें, ताकि हिंदुस्तान में जहाँ भी रह रहे हमारे समाज के ये समाज जो है आगे बढ़े और शिक्षित हो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी मैं नारा लगा रहा हूँ। हमारी बेटियाँ पढ़ती हैं और जब वो जाति के लिए आती है तो वो शर्मनार हो जाती है। इसलिए हम मेरी जो मेरी मेरी जो जहाँ भी मेरी समाज है देवा जाति छाज वाले के नाम से जाति प्रमाण पत्र की कृपा करें, उनको रजिस्ट्रेट करें जहाँ भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। पवन जल्लाद जी के कितने अच्छे विचार है, ये उच्च विचार है। और पवन जी को हमने सुना है कि पवन जी में किसी भी नशीले पदार्थ का कोई भी शौक नहीं है, ना ही कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा पान तम्बाकू शराब कुछ नहीं, किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करते। पवन जी के इतने ऊँचे विचार है, ये आदित्य योगी नाथ से कहते हैं कि गुहार लगाते हैं कि वह इनकी जाति का प्रमाण पत्र बनवाने में मदद करें और इनके समाज को शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाए। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो इन्होंने बात कही, बहुत बड़ी बात कही है। पवन जी के ऐसे जो विचार है ये देश में एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। पवन जी के साथ में अभी तक इस तरीके का भेदभाव हुआ कि देखिए पवन जी के ये जो घर है ये मेरठ के काशीराम आवास योजना में लोहिया नगर नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इनका आवास है। और स्थिति भी इतनी भयानक है कि देखिए इनके घर को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। और इतना जो है भूमिया के पुल पर मकान गिर गया था, मुझे कोई सुविधा मिली अभी तक मुझे कोई। जी, भूमिया के पुल पर इनका जो पुराना मकान है भगवतपुरे में। जी जी जी, अभी तक मुझे कोई सुविधा मिली नहीं मिली। मेरे बच्चे भी दब गए थे, मेरे वाइफ भी दब गई थी, मुझे किसी भी अधिकारी ने आके मुझे देखा नहीं। एक तरफ तो पवन कुमार जो है पवन जल्लाद जी इनसे इतना बड़ा काम कराते हैं प्रशासन शासन कि फांसी लगाने का इतना बड़ा काम होता है हर कोई नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ इनके परिवार के लिए कोई भी सुविधा कोई सरकारी नहीं सुविधा जाती। नहीं जी, कोई मेरे बच्चों को सरकारी सुविधा नहीं, मुझे कोई सरकारी सुविधा, मेरा वेतन के लिए भी कुछ 5,000 में क्या गुजारा नहीं होता, मैं किस तरह से जीता हूँ ये मेरे दिल को बताएगी। और मैं जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी मोदी जी से भी और आदित्य गिलास से भी मेरा हाथ जोड़ कर विनती है कि मेरी वेतन बढ़ाया जाए और मेरे बच्चों को जो है रोजगार दिया जाए, रोजगार दिया। पवन जी का कहना है कि सरकार इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती, सही बात है, क्योंकि पवन जी यहाँ जातिवाद सामने आता है जो हम बार बार कहते हैं, बहुजन समाज के साथ अन्याय होता है। और अगर इस काम को ज़्यादा अहमियत नहीं समझा जाता है तो पवन जी से इस काम को ना कराए, कोई और किसी और को इस काम के लिए चुना जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी होती है, सरकारी नौकरियों में लोगों को बहुत अच्छी वेतन मिलता है, सैलरी अच्छी होती है, लेकिन पवन जी को 5,000 रुपये मिल रहे हैं आज तक, उसमें कैसे गुजारा होता है? उसमें ना ही गुजारा होता। उन्होंने बताया कि इनकी घर की स्थिति भी बहुत दयनीय है, इनका जो पुराना मकान है वह भी गिर गया था और घर के हालात इतने ख़राब है कि पवन जी की कोई मदद नहीं की जाती। और पवन जी के साथ इस तरीके के जो हालात हैं इनको देखकर दुख भी होता है। एक तरफ तो पूरे देश में इस चीज़ की आवाज़ उठाई जा रही है कि चारों तरफ मीडिया इनके पीछे लगी हुई है कि इतना बड़ा काम करेंगे पवन जी, चार
दोषियों को सजा देंगे, उनको फांसी लगाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और पवन जी की यह जो हालत है इसको देखकर लगता है इन्होंने कई बार आवाज़ भी उठाई है लेकिन इनकी आवाज़ पर कोई अमल नहीं किया गया। पवन जी कई बार धरना भी दे चुके हो आप। बिल्कुल, मैं कई दफ़े कह चुका हूँ, मेरे जवाब मैंने कितने ही मैंने लेटर भेजे मैंने मुख्यालय लखनऊ को कि मेरा कम से कम 20,000 रुपये तो कर दी जाए, मैंने 20,000 रुपये का लेटर भेजा हो मैंने। जी जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उस पर। सुनवाई नहीं जी। और पवन जी आप कुछ और दर्शकों को कहना चाहेंगे? दर्शकों कहना चाहे बस ये भाई जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जी, और जितने भी है पानी बचाओ जीवन बचाओ जी, और जितने सिंगल प्लास्टिक का यूज ना करें ताकि हमारे जो लाली लालियाँ अटक जाती है उससे गंदगी फैलती है। स्वच्छ मेरठ होना चाहिए, स्वच्छ मेरठ होना चाहिए जी। अपने जो है बिल्कुल सफाई का ध्यान रखें, बीमारी हटाएं, यही मेरा कहना है। पवन जी के बहुत अच्छे विचार है। पवन जी ने कहा कि देश में तभी देश का विकास होगा अगर देश में सफाई होगी, स्वच्छ होगा अपना मेरठ अपना भारत, तभी देश का उद्धार हो सकता है। आज हम पवन जी के साथ थे, पवन जल्लाद जिसने हमें कीमती वक्त दिया, आज हमने इनसे बात की और दर्शकों को हमने दिखाया कि ये पवन जल्लाद है जो 22 जनवरी को फांसी देंगे दिल्ली के तिहाड़ जेल में निर्भया कांड वाले चारों दोषियों को। और हम आपसे इजाजत लेते हैं, देखते रहिए बहुजन हलचल। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।